मोहनलाल जी। नमस्ते। आपके बेटे का नाम मोहन राम सिंह है? इस मिट्टी में एक मोहन राम सिंह नाम का शेर है, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या काम है उससे? ये क्या है, आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। त्रिवर्णी वैली में आपके बेटे और उसके साथियों ने गांव वालों को बेरहमी से काट डाला, और आपको पता नहीं है, मार खाए हुए लोग हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आपका बेटा बहुत बड़ा गुंडा है क्या? कहाँ है वो, बुलाइए उसको और उसके साथियों को। वो नहीं आएगा। अगर वो खुद सरेंडर करेगा ना तो उसकी बॉडी का सारा हिस्सा ठीक रहेगा, वरना कब उसका एनकाउंटर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। भीड़ कंट्रोल करने के लिए हवाई फायर करते हो, उसकी परमिशन भी कलेक्टर से लेनी पड़ती है। बड़ी आसानी से कह दिया कि सबका इनकाउंटर कर दूंगा। वो सब कौन है जानते हैं? मेरे रिश्तेदार मामा जीजा के बच्चे हैं। इस गांव में करीब 2000 परिवार हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सिर्फ खाना अलग अलग पकाते हैं और सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब आप जाइए, अपने बेटे और उसके साथियों को मैं खुद लेके आऊंगा। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं तुम्हारा नहीं सरकार का नौकर हूं। उन लोगों को कहां छुपाया है, बाहर निकालो उन्हें, नहीं तो उनकी जगह तुम्हें अंदर कर दूंगा। ऐसा घूर क्यों रहा है, खुद को वीरप्पन समझता है क्या? बड़ी बड़ी मूंछों से मुझे डरा देगा, तेरी मूंछ उखाड़ लूंगा मैं। उसे बांध कर मारो। जाल डालो उस पर, बांधो इसको, छोड़ मुझे। पुलिस वाले को पर हाथ उठाता है ना, चल। मोहन राम सिंह भाई, आपके पिताजी को पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं। पिताजी, आप ठीक तो हैं ना? तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? ए, मेरे पिताजी बहुत बहादुर हैं, और मूंछ तो हर मर्द की शान होती है। शेर की ताकत जबड़े में होती है, हाथी की ताकत उसके सूंड में होती है, और सांप की ताकत है उसका जहर। मेरे पिताजी की ताकत उनकी मूंछों में है। मेरी माँ ने मेरे पिताजी की मूंछों को देख के ही उनसे शादी की। हमारे पिताजी का सम्मान हमारी नजरों में भगवान से कम नहीं है। देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, पंडियान, महावीर, पुलिथेवन तक सभी ने मूछ रखकर लड़ाई लड़ी। क्यों? आजाद भी मूछे तान के अंग्रेजों से लड़े और उन्हें भगाया। ऐसे वीर की मूछ पर तुमने हाथ डाला, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ काटा। जो हाथ काट सकता है वो सिर भी काट सकता है। आइंदा मूछ रखने वालों की मूछ पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है, यही बताने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ काटा। भागो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ सबको बताना है। आ गया। शाबाश बेटा, तुम शेर हो, इसे ही वीर कहते हैं। एक कुत्ता भागे तो सारे गांव के कुत्ते भागने लगते हैं। मेरी मूछों पर हाथ डालने वाला पुलिस वाला सारे गांव वाले पर हाथ डालेगा। मूछों पर हाथ डालने वाले की सजा क्या होनी चाहिए, ये सारे गांव को पता चलना चाहिए। चलो
अरे चलो चलो, अरे 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 मोहन राम सिंह ने पुलिस वाले का हाथ काटा है, इसे कोई साधारण बात मत समझना। समुद्र पार करके जाए तो भी पैरों के निशान साथ चलते हैं, वैसे ही पुलिस वाले भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पर मैं पुलिस वालों से नहीं डरता, लेकिन हमें कानून की इज्जत करनी चाहिए। वो लोग हमारे सामने आके नहीं लड़ेंगे इससे पहले कि पुलिस हमारे गांव में घुस के चारों तरफ फैल जाए। मेरे परिवार के साथ 15 परिवार के सभी महिला पुरुष इस गांव से गायब हो जाइए। गांव में बचे बाकी मर्द गांव छोड़कर चले जाएं, वरना पुलिस कोई न कोई केस बनाकर आपको अंदर करा देगी। बाद में पुलिस केस कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। कुछ ही दिनों की बात है, मैं वकील से बात करता हूँ। जितना भी पैसा खर्च होगा मैं संभाल लूंगा। हिम्मत से निकलो, चलो निकलो। किसी ने पुलिस वाले का हाथ काट दिया है। जितने भी पुलिस वाले लगे बुला लो। उस गांव में कोई नहीं बचना चाहिए, सबको अरेस्ट करो। सर ये आसान नहीं है, उस गांव के लोग बहुत खतरनाक है। हाँ सर, वो लोग किसी से नहीं डरते हैं। इलाजी जाना है तो 10 गांव को पार करके जाना पड़ेगा। सर पूरे रास्ते को उन्होंने पत्थरों से ब्लॉक कर दिया। फिर भी गए तो न जाने कितने पुलिस वालों की जान जाएगी। हम लोग परिवार वाले हैं सर। सर नमस्ते, मैं SP बोल रहा हूँ। ठीक है सर, कौन है सर? यस सर, वेरी गुड सर, तुरंत भेज दीजिए सर। थैंक यू सर। तुम लोगों से नहीं होगा ना। आ रहा है अशोक पांडे IPL। Remove the hand, sir. सर नमस्ते सर, मैं इस गांव के अस्पताल में काम करता हूँ। इस गांव में जंगल राज चलता है क्या? नहीं, इस गांव में जितने भी मर्द हैं सबको वैन में डालो। सर पुलिस को काटने वाला मोहन राम सिंह और उसके पिता मक्खनलाल सभी गांव से कहीं गायब हो गए हैं। मोहन राम सिंह के साथ 15 परिवार के सभी मर्द औरत बच्चे गांव छोड़ करके कहीं चले गए हैं साहब। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस के डर से गांव के जितने भी मर्द थे सब के सब कहीं छुप गए हैं साहब। उन 15 घरों में पहरे लगाइए, गायब हुए लोगों के बारे में पता चले तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मामा जी यहाँ हैं? चलिए मिलाता हूँ। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। क्यों, हम सबको पुलिस में सरेंडर करने की सलाह देने आए हो? तो सुन लो, हम सरेंडर नहीं करेंगे। मैं उसके लिए कहने नहीं आया मामा, एक खास काम के लिए आपके गांव में गया था। हमारे घरों के आसपास पुलिस पहरा दे रही है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे लोगों में 30-40 पुलिस और वकील बने हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये केस हम जरूर जीतेंगे मामा। आपके लिए कुछ लाया था, ये लीजिए मामा। ठीक है, चलता हूँ मामा, फिर मिलूंगा। हाँ चलो। क्यों मक्खनलाल, बड़े घबराए हुए रहते हो? अभी तो तुम्हें और भी दुख झेलने हैं मक्खनलाल। तुमने बड़े प्यार से अपने 3 बच्चों को पाला है, उसमें से एक बच्चा तुम्हारा है ही नहीं।